ये आज का तिरंगा यात्रा कहाँ से निकला और कहाँ समापन होगा? अतरौलिया, हाँ अतरौलिया डाक बंगले से इसका उद्घाटन हुआ है। वो राणा प्रताप सिंह पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो पसहिया के रहने वाले हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखा के यात्रा को रवाना किया और बाजार में दुर्गा मंदिर होते हुए बनवाल मेडिकल स्टोर और गोला छः से होते हुए फिर वापस बब्बर चौक यात्रा गई। वहाँ से केसरी चौक होते हुए रामपूजन सिंह चौक समापन हो रहा है। यात्रा का भारतीय जनता पार्टी ने उद्देश्य क्या रखा है, किस उद्देश्य से तिरंगा झंडा? उद्देश्य आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर आज़ादी के 75वें वर्ष में हम लोगों को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। 75वें वर्ष में आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व तो पूरे देश को प्राप्त हो रहा है। पूरे विश्व के नेता मोदी जी हैं, उनके आह्वान पर हम लोग 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारत में एक सूत्र में जोड़ने का काम कर रहे हैं। यही और जितने आभार व्यक्त करते होंगे इस यात्रा के समापन घोषणा करता हूँ। सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के 75वें सालगिरह पे ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ये तिरंगा जो है पूरे देश की शान है, हिंदुस्तान के जन जन के दिलों में तिरंगा झंडा जो है अरमान रखता है। तो इसी तिरंगे के सम्मान के लिए न जाने कितने शहीदों ने फांसी के फंदे को चूमा, आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जो है तिरंगा झंडा लेकर के घर घर फहराने का जो योजना है, पूरा देश जो है राष्ट्रभक्ति में सरोवर है। जैसे कि पूरे प्रदेश में 75 वर्ष आज़ादी का 75वां धूमधाम से मनाया जाता है, अब अतरौलिया में भी एक शहीद स्मारक ऐसा है कि जो अभी भी दीनहीन दशा में पड़ा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा शहीदों का सम्मान किया है। आप जानते हैं मदियापाल में एक शहीद स्मारक बनाया गया, राजा जयलाल जी के नाम पे जो है मूर्ति का स्थापना आदरणीय योगी जी की सरकार ने घोषणा की है। और हम इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जो जिला उपाध्यक्ष हैं आदरणीय जितेंद्र सिंह, प्रदेश के संगठन मंत्री भाई हैं विनोद जी राजभर और चंजीत तिवारी जिला उपाध्यक्ष हैं, हम लोगों से मिलकर के डीएम से कहेंगे जो सौसैया हॉस्पिटल है वो राजा बेनी माधव सिंह के नाम रखा जाए। जैसे कि सौसैया अस्पताल का नाम ऑलरेडी शासन ने राजा जयलाल सिंह के नाम पे कर दिया है, मगर अभी तक उसका बोर्ड वहाँ पे नहीं लगाया गया, जबकि राजा जयलाल सिंह पिछड़ी समाज से आते हैं। ऐसे में हॉस्पिटल पे बोर्ड कब तक बदला जाएगा? राजा जयलाल जी की फांसी जो है लखनऊ में लक्ष्मण पार्क में हुई थी, लक्ष्मण पार्क में उनके नाम राजा जयलाल पार्क बनाया गया है। जल्दी ही मैं समझता हूँ राजा जयलाल की मूर्ति भी लगाई जाएगी सौसैया में, हॉस्पिटल का नाम भी शहीद राजा जयलाल जी के नाम पे रखा जाएगा।